नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेरीगेटेड स्नेक प्लांट की। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका वेरीगेटेड प्लांट से जब वो लीफ से ग्रो करते हैं तो उनका ये वेरीगेटेड जो प्लांट है स्नेक प्लांट का डॉफ वाला, इसमें ये ग्रीन कलर का आता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लगभग वो इस तरीके से निकल कर आता है, जबकि आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप वेरीगेटेड प्लांट से वेरीगेटेड ही वैरायटी कैसे आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक नाइफ, जिसको आप अच्छे से स्टेरिलाइज़ कर लीजिएगा। इसके हम यहाँ से बिल्कुल, जैसे आप देख पा रहे हैं ये रूट के पास में, देखिए यहाँ से हम लोग इस पर कट लगाएंगे ताकि इसके जो नए नए पप्स हैं सारे, देखिए यहाँ पर हम लोग एक कट लगाएंगे ताकि हम उसको एक नया प्लांट के रूप में इसको हम दे सकें। आप इस पर ऐसे कट लगाइए और इसको हल्का सा प्रेस करके देखिए, ये देखिए ये हमने प्लांट अलग कर लिया है और इसको हम ऐसे मल्चिंग करके इसको रख देंगे। देखिए इसके कट पार्ट पर हम ये देखिए एलोवेरा लगाएंगे। एलोवेरा बड़ी इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसको हमें ये हमारे प्लांट को फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। हम लोग इसको इस पर ऐसे इसको रब कर देंगे ताकि ये इस पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए। देखिए ज़्यादा पानी की वजह से ये देखिए इसमें रूट मेरे प्लांट में कैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो कोई नहीं, इसको हम यहाँ से इधर से हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम लोग इस पर एलोवेरा लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अपने जो प्लांट जो हमारे यहाँ से ख़राब हो गया था हमने उसको कट कर लिया है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा एलोवेरा लगाएंगे, एलोवेरा का जल देख पा रहे हैं जैसे ये देखिए, ताकि इसको फंगल से हम लोग बचा सकें। और इसको अब हम लोग दो दिन के लिए इसको सूखने के लिए या एक दिन के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे ताकि इस पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और हम इसको किसी शेडेड एरिया में या किसी भी प्लांट के नीचे हम लोग इसको रख देंगे ताकि इसको शेड मिलती रहे और ये आसानी से ग्रो कर सके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए ये पौधा एकदम सूख चुका है, ये देखिए कितना ड्राई हो गया है, ये देखिए इसमें रूट भी एक डेवलप हो चुकी है। चलिए अब हम इसको किसी भी इसको रिप्लांट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे प्लांट को एक महीना हो गया है। ये देखिए हमारे प्लांट में ये देखिए इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये देखिए इसमें ये देखिए एक, ये दो और ये तीन और एक ये देखिए ये चार, टोटल चार प्लांट्स हमारे पास इसमें हमारे प्रोपोगेट हुए हैं। और जो हमने इसको मेन जिसको हमने अलग किया था इस प्लांट में, देखिए रूट इसमें डेवलप हो चुकी है। ये देखिए इसमें ये देखिए रूट डेवलप हो चुकी है टोटल। ये हमारा प्लांट अभी तक ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट्स है हमारा। देखिए आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं और वेरीगेटेड स्नेक प्लांट से हम लोग वेरीगेटेड ही वैरायटी अपना हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं।